हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूं कि इग्नू के एग्जाम साल में कितने बार होते हैं और हॉल टिकट कब मिलता है। तो दोस्तों, इग्नू के एग्जाम साल में दो बार होता है और पहला है जून और दूसरा है दिसंबर। तो मैं फिलहाल अभी जून में होने वाला एग्जाम जो है जून 2022 का, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इग्नू वेबसाइट पर जून में जो एग्जाम होने वाला है उसका फाइनल डेट आ चुका है। फाइनल डेट 22 जुलाई 2022 को एग्जाम स्टार्ट है और 5 सितंबर 2022 को एंड है। तो ऐसे में बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा इग्नू का हॉल टिकट कब मिलेगा। तो 22 जुलाई को जो स्टार्ट है तो इग्नू वाले 10 दिन या सप्ताह दिन पहले हॉल टिकट को ऑनलाइन दे दिया जाता है, जहां से स्टूडेंट लोग एनरोलमेंट नंबर के द्वारा हॉल टिकट को निकालकर परीक्षा जहां देते हैं, जहां सेंटर पड़ता है वहां पे ले जाते हैं, और साथ में कॉलेज का आईडी भी ले जाया जाता है ताकि उसे एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में अब हॉल टिकट का बात करता हूं। तो हॉल टिकट में उस स्टूडेंट का सारा बायोडाटा रहता है जिसमें लिखा रहता है कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट दे रहे हैं, कितने तारीख को पढ़ रहा है और आपका सेंटर कहाँ पड़ा है, एनरोलमेंट क्या है, मतलब सारा डेट, मतलब सारा चीज उस पे लिखा रहता है जिससे आप समझ सकते हैं, सेंटर जा सकते हैं, एग्जाम समय पर दे सकते हैं। तो हॉल टिकट में ये सब होता है। तो दोस्तों, यह मेरा पहला वीडियो था और इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को जून एग्जाम का जानकारी दिया हूं। अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।